आपके द्वार कार्यक्रम में कई लोगों को ऑन द स्पॉट लाभ भी दिए जाते हैं, और ये भी आपको जानना जरूरी है कि किस तरीके का लाभ जो है सो लोगों को मिल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम महालाल सोरेन। किस इसी पंचायत से? हाँ, इसी पंचायत से। तो ये आपको अभी जॉब कार्ड दिया गया? हाँ। कब अप्लाई किए थे? आज ही अप्लाई किए हैं। अच्छा, आज ही अप्लाई किए थे, अभी तुरंत अप्लाई? हाँ, तुरंत अप्लाई किए, तुरंत बन करके मतलब कंप्लीट करके दिया गया है। तो आप सरकार को क्या कहेंगे इस तरह का जो आयोजन है उससे? तो आपको जॉब कार्ड मिल गया, हाँ ये अच्छा हो रहा है ना? बहुत अच्छा हो रहा है, ऑन द स्पॉट मतलब बनकर मतलब तैयार हो रहा है। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का कैंप जो है वो हमेशा लगाए सरकार आने वाले समय में? हाँ, बीच बीच में मतलब लगाते रहना चाहिए ताकि मतलब लोगों को मतलब आसान और सुविधा हो सके। दिखाइए इधर। तो ये जॉब कार्ड है जो इनका अभी तुरंत बना है, ये पार्वती हंसदा का बना हुआ है। अच्छा, इनके परिवार के नाम से। बीपीओ साहब हैं यहाँ, बीपीओ साहब देख रहे हैं जॉब कार्ड आपके संबंधित जो है ये चीज़ें होती हैं, ये इससे क्या लाभ होता है सरल भाषा में लोग जो नहीं जानते हैं जॉब कार्ड? सरल भाषा में देखिए, नरेगा जॉब कार्ड मिल जाने के बाद वो 100 दिन का रोजगार पाने का हकदार हो जाते हैं। 100 दिन के बाद कहीं भी काम करे वो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 दिन का हम इनको गारंटी है कि हम देंगे अगर ये काम करना चाहते हैं। मतलब साल भर में? क्या साल भर में? एक साल भर में 100 दिन का काम इनको देंगे ही देंगे? हाँ देंगे, अगर ये काम करना चाहेंगे तो। अच्छा, इनकी इच्छा पर है। तो अच्छा, ये जो जॉब कार्ड बनेगा इसमें इनका अकाउंट वगैरह भी जो है सो केवल? अकाउंट वगैरह हम लोग सब ऑनलाइन ऐड करवा देते हैं सिस्टम में, और इसमें भी मेंटेन रहता है। अच्छा, जॉब कार्ड कौन बना सकते हैं? जॉब कार्ड यहाँ के रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, या फिर किस तरह के लोग बना सकते हैं? किस तरह मजदूर वर्ग के लोग जो भी काम करना चाहते हैं नरेगा में, मिट्टी कच्चा वर्क काम करना चाहते हैं, वो बनवा सकते हैं। अभी न्यूनतम जो मजदूरी दर है वो कितना है? 237 रुपये। 237 रुपये? 237 रुपये से खुश हैं आप? एक 100 दिन में एक दिन का 237 रुपये आपको मिले? खुश तो नहीं, उतना में तो कुछ नहीं होता, इतना महंगाई में 237 कुछ नहीं होता है। चलिए, इसमें इनकी गलती नहीं है, सरकार अगर बढ़ा दे तो शायद 237 रुपया जो है सो बढ़ जाएगा। तो जॉब कार्ड अप्लाई अगर जो करना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके के कैंप में जो लोग, अब चूंकि कैंप तो अब खत्म होने वाला है, तो क्या और भी ब्लॉक में जाकर के तुरंत आप लोग ऑन द स्पॉट बना देंगे क्या? हाँ, कैंप में भी आवेदन दिए हैं उन लोगों को, हम लोग किए हैं, और कैंप के बाद उन लोग ब्लॉक में भी आवेदन दे दे, पंचायत में आवेदन दे दे, कहीं भी आवेदन दे सकते हैं, ऑनलाइन भी आप उन लोग दे सकते हैं, या फिर जिस भी माध्यम, मौखिक भी दें, लिखित भी दें, हम लोग कर देंगे उसका। जो क्या क्या कागजात लगते हैं? आधार, अकाउंट लगेगा, फोटो लगेगा। अच्छा, तो बेंगाबाद ब्लॉक में जो अगर जाएं, या फिर कोई भी ब्लॉक झारखंड में, तो हर ब्लॉक में बनता है जो? सभी का संबंधित ब्लॉक में जाएंगे, अगर जिनका पंचायत, जिस पंचायत में पड़ता है उस पंचायत में दे, या फिर अपने संबंधित प्रखंड में दे। तो मतलब अगर 100 साल भर में 100 दिन का काम देना ही देना है, 263 रुपये के हिसाब? हाँ, वो मांग करेंगे काम का तो देना ही है। मांग कैसे करेंगे? मौखिक या फिर लिखित आवेदन में दे सकते हैं, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, या डायरेक्ट ब्लॉक में। मतलब दे सकते हैं अपने पंचायत के रोजगार सेवक से जो लोग हैं उनका काम आसान हो जाएगा। हाँ, हाँ जरूर। चलिए, बीपीओ साहब हैं, ये जानकारी दे रहे थे। जॉब कार्ड हमारे हाथ में है, और इसमें जो है सो मजदूरों के लिए एक बेहद ही बढ़िया विकल्प है। हालांकि न्यूनतम जो राशि है बताए 263 रुपये, 237 रुपये बेहद ही कम है, चूँकि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि जॉब कार्ड बना इस कैंप के माध्यम से दिखाने का मकसद हमारा यह। इस बीच जो है यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं जो लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि कहाँ कहाँ फॉर्म देना है। लगता है आप तो प्रतिनिधि हैं, मुखिया जी काफ़ी परेशान होंगे सिग्नेचर करते हैं। बैठे हुए अंदर बहुत परेशान है। हाँ। अभी तक मेरे ख्याल से 400-500 साइन हो चुका है। अच्छा, हाँ, वो तो फास्ट मार रही है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा जल्दी हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार को क्या कहना चाहिए चाहेंगे आप इस तरह के जो आयोजन है उससे, क्या सरकार को क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा पहल है, लेकिन इस पहल को अमल होना चाहिए। जितने भी लाभुक लोग परेशान होकर सारा फॉर्म जमा हो रहा है, उस फॉर्म में कर्मचारी लोगों का दायित्व बनता है कि उसको अच्छे से रखा जाए, और जो भी काम के लिए लिए हैं उसको पूरा किया जाए। अच्छा, ये आप देख रहे हैं आपके पंचायत में काफ़ी भीड़ हुआ है, व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ था? हाँ, व्यापक रूप से। हम जैसे हमारा प्लान था 10 तारीख को पहले आम सभा मीटिंग करके अपना कार्यकारिणी का प्रचार किए, फिर परसों हम एक टोटो में 2 चोंगा लगवा के उसको हर वार्ड में एक माइक सिस्टम से हर आधा घंटा रुक के हर वार्ड में उसको हम प्रचार करवाए थे कि आप अपना कीमती समय दें और फॉर्म भरें। अभी आपके पंचायत में ज़्यादातर समस्याएं जो है पेंशन को लेकर के, लगभग कहा जा रहा है कि प्रखंड विकास अधिकारी ने भी कहा है कि पेंशन जैसी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं, अब जो है समस्याएं आवास या फिर अन्य चीज़ें की है। आपके पंचायत में आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्या आपके पंचायत में किस तरह की है? हमारे पंचायत सबसे ज़्यादा समस्या जो है अभी बहुत सारा राशन कार्ड छूट गया है, वो बहुत ज़रूरी है। बाकी तो आपका पीएम आवास जो है, मोदी जी का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक तो पूरा हो जाएगा और काम हो भी रहा है।
और दूसरा चीज़ है अपना थोड़ा बहुत दिक्कत है जैसे कुआं वगैरह का आया मामला, तो उसको हम संज्ञान में लिए हैं, अब फंड आते हैं सबको काम किया जाएगा। दूसरा चीज़ है कि आपका थोड़ा सा दिक्कत है इसके लिए वृद्धा पेंशन जो बोल रहे हैं वो हम पिछले बार अपने स्तर पे कैंप लगवा के 90% शॉर्ट आउट कर दिए, 10% है उस कैंप में खत्म हो जाएगा। पेंशन का काम हुआ है? हाँ हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, कुल मिला के इस कैंप के आयोजन को सरकार के लिए आप धन्यवाद कह रहे हैं? अच्छी, हाँ अच्छी बात है, धन्यवाद।